हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप कि काफी अच्छे हो, सेफ हो और स्वस्थ हो। तो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक का नेम है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ गाइस, हम लोगों ने अभी तक हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर था उसको हम लोगों ने एडवांस लेवल तक पूरा किया है। आप लोग हमारे जाके आईयूपीएसी के प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। अगर किसी बच्चे का कोई लेक्चर रिमेनिंग है तो आप वहां जाके बिल्कुल जरूर उसको देखें, प्रॉपरली सारे लेक्चर्स को देखो गाइस। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहां से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पूरे इंडिया में कहीं भी कोई भी आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आप इन नोट्स को अगर अच्छे से पढ़ लो, अपने अंदर उतार लो, तो आप किसी भी क्वेश्चन में आप लोग नहीं अटकोगे। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है गाइस, तो आप उस क्वेश्चन के जो भी आपके स्क्रीनशॉट है आप मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट करो, उसके बाद मैं आपको उनके आंसर करूंगा। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। जो बच्चे हमारे यहाँ इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आप लोगों को आपके यूट्यूब एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है बच्चों? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है ना? तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब है? हम किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं? बताओ बताओ। जी हाँ, ऑब्वियसली गाइस, वो डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की डिटेल स्टडी होती है, यानी कि केमिस्ट्री का वो डिपार्टमेंट जहाँ पे आप कार्बन और हाइड्रोजन, उनसे मिलके बने हुए कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, और उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मीन्स हो गया कि वहां पे कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, और उसके अलावा अदर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एंड सो ऑन। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, और ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन हाइड्रोजन और उसके अदर एलिमेंट से भी मिलकर बने हैं, उन कंपाउंड्स की डिटेल स्टडी, उनके रिएक्शंस, उनके मैकेनिज्म, उनका रिएजेंट, उनका रिएक्टेंट, उनके प्रोडक्ट, उनका इंटरमीडिएट, सब कुछ हम जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। जी हाँ, कार्बनिक रसायन बोल सकते हैं हिंदी मीडियम में हम, या फिर उसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज इसके बेसिक फंडामेंटल अपन यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करें रिएक्शन मैकेनिज्म लेवल तक, तो उसके बेसिक फंडामेंटल्स आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो उसमें हमारा फर्स्ट पार्ट होगा बच्चों बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसमें हम यहाँ पे तीन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला होगा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला होगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और थर्ड फॉर्मूला होगा बच्चों बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कैसे मॉलिक्यूल को यहाँ पे इस फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। गाइज, आपके पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C3H8। आपको यहाँ पे C3H8 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और ये जो तीनों फॉर्मूला है ये किसी मॉलिक्यूल को एक आपके बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे या लाइट बोर्ड पे, जिस पर्टिकुलर बोर्ड पे या नोटबुक में आप इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, ड्रॉ करना चाह रहे हो, उसी के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। और इसमें हमारा फर्स्ट है एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो बच्चों, आप इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास C3H8 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और अगर आपको कोई इससे बोले कि भाई इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के स्ट्रक्चर बनाओ, तो जो बचपन में अपन क्या करते थे, कैसे करते थे हम, एक कार्बन बनाया, फिर दूसरा कार्बन बनाया, फिर तीसरा कार्बन बनाया, फिर उसके बाद इस कार्बन की चार वैलेंसी होती है, अभी तीन वैलेंसी बाकी है तो मैंने यहाँ तीन वैलेंसी लगा दी, इसकी दो वैलेंसी बाकी है तो दो वैलेंसी लगा दी, इसकी तीन वैलेंसी बाकी है तो तीन वैलेंसी लगा दी, और जहां जहां वैलेंसी लगाई वहां वहां पर हाइड्रोजन है तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। ये हम सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोगों ने सीखा था हमारी बचपन की क्लासेस में वो ये था। बताओ ये था या नहीं था, बोलो बोलो। ऑब्वियसली ये था, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को बच्चों बोलते हैं अपन एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दैट मीन्स कि किसी भी मॉलिक्यूल को उसके हर एक बॉन्ड के साथ, हर एक एटम को पूरे तरीके से रिप्रेजेंट करना, यानी ईच एंड एवरी बॉन्ड, ईच एंड एवरी एटम को दिखा दो आप वहां पे, सारा एक्सपेंड करके दिखा दो, पूरा खोल के दिखा दो उसको, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहां पे ईच एंड एवरी बॉन्ड एज वेल एज ईच एंड एवरी एटम को रिप्रेजेंट किया जाए, दिखाया जाए आप लोगों को, दैट इज नोन एज एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब गाइज, ऐसा करने से पता क्या होगा, मैंने तीन कार्बन और आठ हाइड्रोजन के लिए इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया इस पूरे ब्लैक बोर्ड पे, तो मैं अगर मान लूं कि मेरे पास कोई फॉर्मूला हो C15H34, तो उसके लिए तो मुझे पूरा का पूरा बोर्ड ही लग जाएगा यहाँ पे,
तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि हम किसी भी फॉर्मूला को एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से अगर ड्रॉ करते हैं तो वहां पे काफी ज्यादा अपने को स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अपने को काफी स्पेस चाहिए होता है, तब जाके अपन वहां पे उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बना सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन। बात समझ आ गई? चलो अब देखते हैं दूसरा रिप्रेजेंटेशन कौन सा है। ऑब्वियसली कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हमारे पास सेम वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8 जो भी हम लोगों ने पहले लिया था, लेकिन इस फॉर्मूला में हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये कार्बन हो गया, अपने को तीन कार्बन बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पे तीन कार्बन को जिस तरीके से बना दिए, दो और ये तीन। फिर इसके बाद यहाँ पे तीन वैलेंसी है, इस वाले कॉर्नर पे थ्री, यहाँ पे दो वैलेंसी फ्री है और यहाँ पे तीन वैलेंसी फ्री है। तो तीन वैलेंसी फ्री, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, तो मैं उसको ऐसे एक साथ कर दूंगा CH3, यहाँ पे मैं ऐसे CH2 करके और यहाँ पे मैं CH3। That means कि मैंने क्या किया, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था उसको पूरा बॉन्ड के साथ नहीं दिखा के उसको वहां पे कंडेंस कर दिया, वहां पे इतने से उसको वहां पे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया कि CH को मैंने CH के बॉन्ड को हाइड करके CH3 को एक साथ कर दिया, CH2 को एक साथ कर दिया और इसी तरीके से CH3 को एक साथ कर दिया। दैट इज नोन एज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप समझ जाओगे कि वो कौन सा फॉर्मूला है, वो अपना है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बच्चों ध्यान रखना जो मैं नाम बोल रहा हूँ, तो आप कई बार देखोगे कि छोटे छोटे हमारे पास फॉर्मूला होता है तो वहां पे फटाफट ऐसे करते हैं CH3 फिर CH2 फिर CH2 है ना, फिर CH2 ऐसे बनाते रहते हैं अपन, तो उससे अपने को समझ में आता है कि हाँ मॉलिक्यूल बना दिया। ये अभी हम करते हैं लेकिन हमने थोड़ा सा इसको बचपन में तो हम लोगों ने पहले एक्सटेंडेड वाले तरीके से देखा था, फिर उसके बाद हम थोड़े बड़े हुए 8th क्लास में 9th क्लास में तो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला भी देखा, और ये था आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसको आप जानते हो, बस आप नाम नहीं जानते होंगे, तो नाम मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। अब बच्चों बात करते हैं हमारा लास्ट और तीसरा जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज नोन एज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द जी मेंस एज वेल एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और वी कैन से अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे हम क्या करते हैं, आप देखोगे कि आपके सामने कभी इस तरह से कोई कंपाउंड गिवन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या मान लीजिए कि कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऐसा कोई कंपाउंड गिवन होता है ना, ऐसा फॉर्मूला इस तरह से कुछ जिगजैग स्ट्रक्चर होती है, जिगजैग है ना इस तरीके से। तो ये जो जिगजैग स्ट्रक्चर है बच्चों, ये भी तो एक फॉर्मूला है जिसको ये बताते हैं, कैसे बनाते हैं वो अपन देखने वाले हैं। तो देखो हमारे पास टोटल कितने कार्बन है बच्चों, तीन तो कार्बन और 8 हाइड्रोजन है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना रहा हूं तो तीनों कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, डॉट में जिगजैग बनाऊंगा, ऐसे जिगजैग पैटर्न में मैंने डॉट बना दिए। अब डॉट और डॉट जो है वो कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तीनों के तीनों डॉट कार्बन हो गए, और कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड जो है उसको मैं दिखा दूंगा इस तरीके से, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड को मैं दिखा दूंगा। अब इस वाले कार्बन पर अगर बच्चों पर फोकस करें तो यहाँ पे तीन वैलेंसी फ्री है, उसको हम यहाँ पे दिखाने वाले नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि देखो इसने एक बॉन्ड यहाँ पे बना लिया है, तो इसे जो तीन बॉन्ड है वो उसके ऑलरेडी हाइड्रोजन से है और वो हिडन है और वो सेल्फ अंडरस्टूड है, उसको अपने को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से बच्चों अगर आप इस वाले बॉन्ड को देखोगे, इस वाले कार्बन को देखोगे, तो इसने दो बॉन्ड बना रखे हैं, तो बच्चे इसके दो हाइड्रोजन तो वो भी सेल्फ अंडरस्टूड है यहाँ पे कि वो लगे हैं, और यहाँ पर भी सेल्फ अंडरस्टूड है कि तीन हाइड्रोजन लगे हैं। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल को बहुत ही कम स्पेस में जिस पर्टिकुलर फॉर्मूला से अपन ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बस आपको यहाँ पे ऐसे लाइनें खींचनी होती है, बस ऐसे ऐसे लाइन खींचने से वो मॉलिक्यूल जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ये C3H8 है। अगर अब आपको कोई बोले कि भाई आप C5H10 बनाओ, C5H12 बनाओ आप पहले, तो C5H12 के लिए हमारे पास एल्केन है 5 कार्बन का, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये लो जी बन गया आपका C5H12, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे सारे के सारे दिखा दिए मैंने कार्बन, और जो कार्बन की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से है। दैट मींस कि अपने को CH बॉन्ड कभी भी नहीं बनाना होता है, और CH बॉन्ड वहां पे हाइड करना पड़ता है, और कार्बन जो होता है बच्चों वो एक डॉट के फॉर्म में होता है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड को बस अपन एक लाइन से वहां पे बताते हैं कि हाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाते हैं, कार्बन आपका डॉट होता है कॉर्नर होता है और CH बॉन्ड जो होते हैं वो हिडन होते हैं। दैट इज नोन एज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला होगा, आपके पास जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं नीट में जेई में, तो वहां पर आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन ज्यादातर जो ऐसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिए हुए होते हैं, ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। इसके दो बेनिफिट है, इसका पहले बेनिफिट तो बच्चों ये हो गया कि अगर इस तरह से कोई फॉर्मूला देगा तो वो उस पर्टिकुलर वर्कशीट पे उस पर्टिकुलर पेपर में काफी कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वो एक तरह से हमारे लिए इकोनॉमिकली काफी अच्छा होगा, एज वेल एज वो कम स्पेस को ऑक्यूपाई करके मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और स्पेस भी कम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो एक पंथ दो काज हो गया, यानी कि एक तीर से दो शिकार हो गया,
तो इसी वजह से अपन क्या करते हैं, एग्जाम में हमेशा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला को यूज करते हैं। आप अपने क्वेश्चन पेपर देखोगे वहां पे भी आपको इसी तरीके से फॉर्मूला मिलेगा। आप अगर अपने टेस्ट पेपर देखोगे वहां पे भी मिलेगा, और आपका जो रियल पेपर होगा वहां पे भी आपको ऐसा ही मिलेगा। तो आपको इस फॉर्मूला की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब मान लो बच्चों की कोई आपको बोले कि एसीटोन जो है उस एसीटोन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं करवा देता हूँ यहीं पे। तो आप इसके लिए क्या करोगे, तीन कार्बन है ना, तो तीन कार्बन के लिए तीन डॉट लगा दी, कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दिया। हाइड्रोजन तो हिडन है, बट इस ऑक्सीजन का क्या करें इसको मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के इस ऑक्सीजन को दिखा दूंगा। हाँ, बस सी एच बॉन्ड जो है उसको मैं नहीं बताऊंगा, सी एच बॉन्ड जो यहाँ पे लगे हैं वो बस हाइड है, वो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है उसको नहीं दिखाना है। तो इस तरीके से आप अगर थोड़ा अच्छा सा सुंदर सा बनाओगे तो ये आपका बन गया एसीटोन, जिसको हम बोल सकते हैं आईपीसी नेम प्रोपेनोन। गॉट इट गाइस, बात समझ में आ रही कैसे करना है? कर सकते हो आप लोग, हाँ है ना, बोलो क्या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में मॉलिक्यूल ड्रॉ कर पाओगे, बहुत इजीली कर पाओगे। गाइस प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करना, क्योंकि इसी फॉर्मूला का हमें आगे जाके यूज होने वाला है। चलो आज हम बेसिक फंडामेंटल सीख रहे हैं ताकि इसको फ्यूचर में यूज कर पाए। ओके गाइस, अब हम गाइस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, आप अगर देखोगे तो हम यहाँ पे कवर करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, हमारे जो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है। छोटे छोटे हथियार हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, बाद में सोचा कर फायर करेंगे, हमारी छोटी छोटी मिसाइल्स यहाँ पे रेडी हो रही है, और उसी सीक्वेंस में हमारी जो अगली मिसाइल है बच्चों वो है डिग्री ऑफ कार्बन। क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन। कई बार आपको पूछा जाएगा कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है बताओ, तो डिग्री ऑफ कार्बन के लिए वो बोलेगा, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने दिया है C4H10 का है ये, तो आप यहाँ पे देखोगे तो इस कंपाउंड का जो आईपीसी नेम है वो ब्यूटेन है ना, C4H10 ब्यूटेन होगा, CnH10+2। अब बच्चों अगर इस ब्यूटेन में आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने बताओ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, टोटल 2 डिग्री कार्बन कितने बताओ, टोटल 3 डिग्री कार्बन कितने बताओ, और टोटल 4 डिग्री कार्बन कितने बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है जहां पे डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में पूछे। तो डिग्री ऑफ कार्बन बताने के अपन क्या करेंगे बच्चों, जैसे मान लो सपोज करो कि आपको इस कार्बन की डिग्री निकालनी है ना, मैं एक ही कार्बन को पकड़ पकड़ के उसकी डिग्री निकालना चाह रहा हूं, तो आप ये देखो कि ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है। तो आप देखोगे तो ये जो कार्बन है बच्चों वो इस एक बॉन्ड के साथ इस एक कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन जो है वो सीधे तौर पे एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 डिग्री। अब ऐसा अगर आप इस कार्बन को देखोगे बच्चों, तो ये कार्बन जो है वो इधर भी एक बॉन्ड बना रहा है, इधर भी एक बॉन्ड बना रहा है, दोनों तरफ कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री हो गई। इसका बताओ क्या होगा, 2 डिग्री, और इसका क्या होगा बच्चों, इसका 1 डिग्री। तो इस तरीके से मान लो कि मैं अब तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन दे दूं ऐसा वाला, ठीक है, और इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें पूछूं कि इस कार्बन इस कंपाउंड में कितने 1 डिग्री कार्बन है काउंट करके बताओ फटाफट, कितने 2 डिग्री कार्बन है काउंट करके बताओ, 3 डिग्री कार्बन कितने है ये भी तुम्हें बताना है, और 4 डिग्री कार्बन कितने तुम्हें बताना है। तो आप कैसे करोगे, देखो ये कार्बन जो हो गया 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, और ये वाला भी 1 डिग्री, कॉर्नर वाले कार्बन सारे के सारे 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री कार्बन इक्वल टू 3। अब ये कार्बन देखोगे ना बच्चों, ये कार्बन 2 डिग्री हो गया, तो 2 डिग्री का एक ही कार्बन है, और 3 डिग्री का ये वाला कार्बन है, तो ये हो गया 3 डिग्री का 1 कार्बन, और 4 डिग्री का कार्बन 0 है, तो इसका आंसर ऐसा हो गया। और हमारे जो क्वेश्चन था बच्चों 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे कितने 2 डिग्री कार्बन कितने 2, ये कितना 0 और ये कितना 0। तो गाइस इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड में डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब है जिस कार्बन की आपको डिग्री निकालनी है वो कार्बन कितने अन्य कार्बन से डायरेक्टली कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है, जितने अन्य कार्बन से वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड अपने उस हिसाब से होंगे, और उसको अपने अकॉर्डिंग अपन डिग्री ऑफ कार्बन में इंक्लूड कर लेंगे। पसंद आ गई कि 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन कितने, बस आपको इतना देखना है कि जिस कार्बन की डिग्री मैं निकालने जा रहा हूँ वो कार्बन कितने कार्बन से कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है, जितने कार्बन से बॉन्ड बनाएगा वो उसकी डिग्री होगी। पसंद आ गई बच्चों, चलो आगे अपन क्या करते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या है। इसके लिए सेम क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालना है बच्चों तो आप क्या करोगे, पहले डिग्री ऑफ कार्बन देख लो, ये 1 डिग्री कार्बन था, ये 2 डिग्री कार्बन था, ये 2 डिग्री कार्बन था, और ये 1 डिग्री कार्बन था। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन पे अवेलेबल जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं तो आपका आंसर कितना होगा, 3। अरे नहीं नहीं चुन्नू, 3 नहीं होगा, 3 तो गलत हो गया, इसका आंसर होगा 3 उधर भी और 3 इधर भी, देखो ये भी तो कार्बन 1 डिग्री है ना, तो इसका आंसर कितना होगा, 6। और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे बताओ, हाँ इस बार तुम 2 नहीं बोलने वाले, इस बार 4 बोलोगे, क्योंकि 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, यानी कि जितने डिग्री का कार्बन है उस कार्बन पे जितने हाइड्रोजन है वो उसी डिग्री का हाइड्रोजन है।
तो अगर हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री कार्बन पे अवेलेबल हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, 2 डिग्री कार्बन पे अवेलेबल हाइड्रोजन जो है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। इसी तरीके से आप डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको डिग्री ऑफ कार्बन निकालना आता है। सिंपल सा पार्ट है बच्चों, सिंपल सा है, आप कर सकते हो बहुत इजीली। डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आप लोगों को देखना होता है, कर लोगे इजीली, मुझे विश्वास आप लोगों पे, शाबाश। अब बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा खेला, कौन बनेगा चैंपियन, और उसके लिए ऑल द बेस्ट गाइस। आपके जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार हैं, और आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है, डिग्री ऑफ कार्बन बताना है और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बताना है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि आप लोगों का आंसर क्या है। ऑल राइट गाइस, एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं, बताओ कौन सा बताऊं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, चलो यार बम्बे बो यानी कि ये वाला बताता हूँ मैं तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें क्या क्या बता रहा हूँ, देखो इधर ध्यान से, 1 डिग्री कार्बन बता रहा हूँ, 2 डिग्री कार्बन बता रहा हूँ, 3 डिग्री कार्बन बता रहा हूँ और 4 डिग्री कार्बन बता रहा हूँ, यहाँ पे ये बता रहा हूँ और हाइड्रोजन के साथ साथ देख लेंगे अगर तुम्हारा मन किया तो 1 डिग्री कार्बन बच्चों देखो, एक तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री है और एक ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए, 2, और साथ ही साथ हाइड्रोजन भी कर लेते हैं अपन, तो 1 डिग्री जो हाइड्रोजन होंगे बच्चों, 1 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, तो 3 + 3 ये 6 हो गया 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन की बात करेंगे बच्चों, तो एक 2 डिग्री ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जितने कार्बन देखो ये कार्बन 2 डिग्री कैसे हुआ, क्योंकि ये इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है और इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। तो इसी तरीके से मैंने बोला 1 2 3 4 5, 5 जो है वो 2 डिग्री कार्बन है। अब बात करते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजनों की बच्चों, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होंगे, 2 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे, तो 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, यानी कि 2 × 5, 2 × 5 = 10 हो गया। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन बस ये एक ही है ये वाला और एक ये वाला भी है, देखो ध्यान से ये दोनों 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बन = 2 हो गया। अब बात करते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो 3 डिग्री कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है दोनों के पास, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। 4 डिग्री कार्बन बच्चों यहाँ पे 0 है, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको करना है ट्राई और कॉमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस आपको कहीं और से नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग यहीं से क्वेश्चन देख के सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ये समझ में आ गया आपको कि 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री हाइड्रोजन कैसे है ना। 1 डिग्री कार्बन देखोगे कॉर्नर वाले 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन पे 3 3 हाइड्रोजन 6 हो गया। 2 डिग्री कार्बन देखो इधर जहां पे देखोगे आप 2 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं, तो 3 + 2 = 5 हो गया, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन 1 पे 2, तो 5 पे कितना 10 हो गया। 3 डिग्री कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 1 + 1 = 2 हो गया, और 4 डिग्री 0 0 है, तो 0 0 मैंने बता दिया। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, सारे के सारे होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, फिर मैं आपके आंसर को रिव्यू करूंगा, अगर आप लोगों का आंसर सही हुआ तो मैं आपको रिप्लाई ऑब्वियसली करूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस। चलो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो इस पर कंप्लीटली बेस्ड होगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को इंडिया में किस और नेम से भी जाना जाता है, कौन कौन से उसके नेम है जिससे उसको हम जानते हैं। तो आप देखोगे कि DOU इस नेम से भी हम उसको जानते हैं, DU इस नेम से भी हम जानते हैं, DBE यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इस पर्टिकुलर नेम से भी अपन उसको जानते हैं, और HDI दैट मींस कि हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। तो गाइज आपके एग्जाम में अगर मान लो कि कोई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो क्वेश्चन जो है बच्चों वो इस पर्टिकुलर नेम में भी आ सकता है कि फाइंड द DOU ऑफ कंपाउंड, फाइंड द DU ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फाइंड द DBE ऑफ दैट कंपाउंड, फाइंड द HDI ऑफ दैट कंपाउंड। अगर वो ऐसा कुछ बोलेगा HDI DBE DU DOU सबका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है ये है वो है, बट ये होता क्या है, तो बताओ सर कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब क्या है। तो मैं बोलूंगा बेटा जी क्या आपको ये पता है क्या सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो आप बोलोगे सर सोचना पड़ेगा अब तो। दैट मींस कि अगर आपको पता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं और आपको पता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को पता करना। तो उसके लिए आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को पहले मैं रोक बताओ कि आप लोगों को पता है नहीं होता है, शाबाश सोचो फटाफट दिमाग लगाओ। और मान लो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप में से किसी एक भी बच्चे को अगर
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड नहीं पता है, तो उस सिचुएशन को मैं लेके चल रहा हूँ साथ में, ताकि आप लोगों को जो भी डाउट है मैं पहले से लेके बैठा हूँ, आपको अगर एक भी छोटा सा डाउट आएगा तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास एग्जाम्पल होगा। तो गाइस मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में नॉलेज नहीं है, जिस तरह की नॉलेज मैं चाहता हूँ, ठीक है, इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ, ताकि आपको सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में नॉलेज हो जाए, और फिर हमारा जो मेन टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से बता पाऊँ। तो उसके लिए फाउंडेशन जो है मैं आप लोगों को यहीं पे स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ। गाइस आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8, अब मैं बोलता हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप बचपन वाले तरीके से बनाना एक बार, तो आप ऐसे बनाओगे, सर देखो तीन कार्बन हो गए, इसके तीन वैलेंसी बना दो फटाफट, और इसी तरीके से इसके दो वैलेंसी बना दो, और इसके दो वैलेंसी सॉरी तीन वैलेंसी बना दो, और यहाँ पर हर जगह हाइड्रोजन लगा दो, ये लो सर बन गया C3H8। तो मैं बोलूंगा शाबाश बना दिया आप लोगों ने, तो यही चाह रहा था मैं, गुड वेल डन सुपर बन गया। अब मैं आपसे बोलूंगा कि बच्चों एक बात बताओ कि इस कंपाउंड को मैं सैचुरेटेड बोलूँ या अनसैचुरेटेड बोलूँ, सैचुरेटेड का मतलब हो गया हिंदी में संतृप्त बोलूँ या असंतृप्त बोलूँ। अब तुम फंस गए कि सर आपने तो बस फॉर्मूला बनाने का बोला था, फॉर्मूला तो हमने बना लिया, बट ये सैचुरेटेड वर्ड का और अनसैचुरेटेड वर्ड का इसका तो सर हमें पता ही नहीं था, अब कैसे करें। तो बच्चों मैं यहाँ पे ये बोलूंगा, आप इतना तो जानते हो कि कहीं पर भी मैं अगर एक कार्बन लगाता हूँ तो इस कार्बन की चार वैलेंसी होती है, और उस चार वैलेंसी को पूरा करना ही पड़ता है। तो आप ऐसे मानो कि जैसे मान लो कि आपको भूख लग रही है ना, आप घर गए दोपहर में, आपको जबरदस्त भूख लगी है, और आपके पेट में जगह है 6 रोटी खाने की, कि आप 6 रोटी खाओगे, लेकिन आप जब 6 रोटी खाने बैठ रहे हो तो मम्मी बोल रही है कि बेटा आज जो है वो रोटी जो है वो कम है, और 5 रोटी दे पाऊंगी तेरे को मैं, बाकी रोटी की व्यवस्था आज अभी अवेलेबल नहीं है, नया आटा लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स कि, और वो शाम को लगेगा अभी नहीं मिलेगा, दैट मीन्स कि आपको जरूरत थी 6 की, मम्मी ने कितने दी 5 रोटी, तो क्या आप सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो? ऑब्वियसली गाइस आप क्या हो, अनसैचुरेटेड हो, दैट मीन्स कि आपको जितनी जरूरत थी उतनी आपको रोटी नहीं मिली, आपकी जितनी जरूरत थी उससे कम रोटी आपको मिली है, दैट मीन्स कि आपको अभी भी रोटी की और जरूरत है, और आपको रोटी मिले तो आप वहां पे कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाओगे, कंप्लीटली सैचुरेट हो जाओगे। तो गाइस वही बात है कंपाउंड के साथ है, सेम वही बात है, मान लो कि मम्मी जो है वो कंपाउंड और आप जो है वो हाइड्रोजन, तो कंपाउंड जो है कार्बन बेस्ड कंपाउंड है, और कार्बन बेस्ड कंपाउंड में कार्बन की चार वैलेंसी को पूरा करना कार्बन का जन्म सिद्ध अधिकार है, वो लेके रहेगा कि मेरे जो चार वैलेंसी, मुझे चार वैलेंसी चाहिए, और चार वैलेंसी के लिए आप उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करोगे अगर वो हाइड्रोकार्बन है, तो क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोकार्बन बनेगा, तो कार्बन की अगर वैलेंसी पूरी करनी तो हाइड्रोजन से पूरी करोगे आप। अब मान लो कि आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो ये वाली कि आपके पास कार्बन तो है 3, ठीक है, और हाइड्रोजन आपके पास 6 ही है, तो आप बोलोगे भाई देखो हमारे पास तो 6 हाइड्रोजन है, तो ऐसे मैं 3-3 हाइड्रोजन दे देता हूँ तुम्हें, और जैसे मान लो 1-3 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे दे दिए, और 3-2-5 और 1 मान लो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, ऐसे मतलब कुछ भी कर दिया आपने रैंडमली अपने मन से लगा दिया, तो ये कार्बन बोलेगा देखो मेरी वैलेंस तो 4 है, तो मेरे को 4 चाहिए, तो ये यहाँ पे इसने 4 बॉन्ड पूरे कर लिए। अब ये बीच वाला बोलेगा मुझे 4 चाहिए, लेकिन आप बोलोगे भाई मेरे पास तो 1 ही है देखो, और ये बोलेगा कि मेरे को भी 4 चाहिए, बट आप बोलोगे मेरे पास तो बस 3 ही है। दैट मीन्स कि ये वाला जो कार्बन था बच्चों, और ये वाला जो कार्बन था, ये अभी भूखे रह गए, इनकी जगह थी 4-4 रोटी खाने की, 4-4 वैलेंसी बनाने की, लेकिन आप लोगों ने इसकी 4-4 वैलेंसी नहीं बनाई, लेकिन अब ये जबरदस्ती है जिद करेगा, ये नहीं मानने वाला इसको 4-4 रोटी चाहिए, बट आपके पास 4 हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बोलेगा अब जैसे मान लो आप और आप भूखे हो तो घर पर आपको रोटी नहीं मिल रही है, और मम्मी बोल रही है अभी इतनी, तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करोगे, क्या करोगे, आप बाहर जाओगे फ्रूट कि शॉप पे जाओगे, फ्रूट खाओगे, जूस पियोगे, तो वैसे ये कार्बन क्या करेगा, ये बोलेगा कोई बात नहीं तेरे पास हाइड्रोजन नहीं है ना, लेकिन देख मैं तो अपनी भूख शांत करने वाला हूँ, कैसे करूंगा मैं, बस इस तरीके से कर लूंगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लूंगा अपना, और ये बॉन्ड क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि तेरे पास कार्बन देने की क्षमता नहीं थी, कार्बन देने की औकात, हाइड्रोजन देने की क्षमता नहीं थी, हाइड्रोजन देने की औकात नहीं थी, तो उसकी मजबूरी में आके मैंने ये बॉन्ड बनाया, अगर तू मुझे हाइड्रोजन दे देता मनुष्य तो मैं यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं बनाता। इसका मतलब है कि इसकी जरूरत जो थी बच्चों, यानी कि 3 कार्बन के हिसाब से उसकी मैक्सिमम जरूरत है 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, तभी जाके उसके, आप देखो यहाँ पे इसके ये 3 कार्बन थे, इसकी जरूरत थी 8 हाइड्रोजन की, हमने 8 लगा दिए थे, 1 2 ऐसे आप गिनती करोगे तो सारे के सारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला C3H8 है। तो यहाँ पे जरूरत थी 3 कार्बन के हिसाब से मैक्सिमम जरूरत जो है वो 8 होगी, और ये हम कैसे जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि हमारे पास कोई मान लो CN है, मान लो कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में CN है, तो उसमें H मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2N+2, पढ़ा है बचपन में हम लोगों ने, एल्केन कैटेगरी जो बनती है उसमें CnH10+2 होता है, तो 3 के हिसाब से 3 दूनी 6+2 8 होगा मैक्सिमम, लेकिन हम इसको कम दे रहे हैं 6, इसको चाहिए 8,
तीन कार्बन को हम दे रहे हैं छह, तो इसका मतलब हम इसकी भूख जो है उसको पूरी मिटा नहीं पा रहे, तो ये भूख को शांत करने के लिए एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन्स कि भूख किसकी शांत नहीं हुई, इसकी शांत नहीं हुई क्योंकि इसको चाहिए थे आठ हाइड्रोजन, मैंने दिए छह हाइड्रोजन, तो ये कंपाउंड क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यानी कि किसी भी कंपाउंड में मैक्सिमम जितने हाइड्रोजन लग सकते हैं उतने में अगर वहां पर नहीं लगा रहा हूं, दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और गाइज ये जो कंपाउंड है तीन कार्बन के हिसाब से मैक्सिमम, अगर यहाँ तीन पुट करोगे तो यहाँ पे आठ आएगा, आठ होने चाहिए और भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि यहाँ पे आठ है। दैट मीन्स कि तीन के हिसाब से एट होना चाहिए था आइडियल कंडीशन में, और रियलिटी में यहाँ पे आठ है। दैट मीन्स कि ये जो कंपाउंड है बच्चों ये क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा, संतृप्त यौगिक, और ये क्या कहलाएगा, असंतृप्त यौगिक। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है। सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जहां पे उसको जितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है कार्बन के अकॉर्डिंगली उतने हाइड्रोजन वहां पे मैक्सिमम होते हैं, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसको मैक्सिमम जितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है उतने हाइड्रोजन वहां पे नहीं होते। दैट इज वाई वी कैन से दोज कंपाउंड आर नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। पास में आ गई। चलो अब एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि C3H4 जो है वो क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो आप बोलोगे सर सवाल ही फर्जी है, तीन के हिसाब से मैक्सिमम आठ होना चाहिए था, चार है, तो कंपाउंड तो डेफिनेटली क्या है, अनसैचुरेटेड है। शाबाश, आप लोग सही सोच रहे हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। अब गाइस मेरा अगला क्वेश्चन सुनो जो कि मेरा मेन क्वेश्चन है। इसका जो अनसैचुरेशन है C3H4 का, क्या वो C3H6 से अनसैचुरेशन ज्यादा है या कम है, ये बताओ मेरे को। क्योंकि C3H6 में भी अनसैचुरेशन था और इसमें भी अनसैचुरेशन है, इन दोनों में से किसमें ज्यादा भूख है, किसमें ज्यादा अनसैचुरेशन है, अब इसके लिए आप कंपाउंड बनाओगे। तो ये कंपाउंड मैंने बना दिया C3H4 का, तो ये 3H मैंने यहाँ पे लगा दी, 1H मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा C3H4। अब देखो किस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं, एक तो इस कार्बन की वैलेंसी अधूरी है, इसको दो कार्बन दो वैलेंसी और चाहिए और इसको भी दो वैलेंसी और चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, तो दोनों की वैलेंसी पूरी हो गई। और जब जबकि C3H6 की स्ट्रक्चर बनानी चाहे तो इसकी स्ट्रक्चर ये होगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, CH3 यहाँ पे CH2 कर दो और यहाँ पे CH कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा C3H6। That means कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना क्योंकि दो हाइड्रोजन की कमी थी, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड बना क्योंकि चार हाइड्रोजन की कमी थी। चार का मतलब देखो मैक्सिमम तीन के हिसाब से कितना होना चाहिए था, आठ हाइड्रोजन, बट अभी कितना है, चार, यानी कि कमी कितने की है, चार के, तो चार अगर और मिल जाता इसको, 4+4 और हो जाता, तो यहाँ पे आठ हो गया, इसकी वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से पूरी हो जाती और ये कंपाउंड सैचुरेट हो जाता। दैट मीन्स कि कमी हाइड्रोजन की ज्यादा कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर इस कंपाउंड में, दैट मीन्स कि ये कंपाउंड ज्यादा सैचुरेट है या अनसैचुरेट, बोलो क्या बोलो फटाफट बोलो, ये कंपाउंड आपका ज्यादा अनसैचुरेट है, अनसैचुरेटेड ज्यादा है इसमें, यानी कि इसमें अनसैचुरेशन ज्यादा है। दैट मींस कि एल्काइन का जो अनसैचुरेशन है बच्चों, एल्काइन बोल सकते हैं अपन डेफिनेटली कि एल्काइन का अनसैचुरेशन एल्कीन से ज्यादा होता है और एल्कीन का अनसैचुरेशन एल्केन से ज्यादा होता है। एल्केन तो अपना सिंपल सी बात है कि एल्केन क्या होगा, एल्केन तो आपका सिंपल सा सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, और एल्काइन जो है वो एल्केन, एल्किन और एल्काइन में सबसे ज्यादा अनसैचुरेटेड कौन होगा, एल्काइन, और सबसे ज्यादा सैचुरेटेड कौन होगा, एल्केन। याद रहेगा सबको, कंसेप्ट को पकड़ो बच्चों, रट्टा नहीं मारना है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, बस आप तो ऑन द स्पॉट जाकर सोचो, ऑन द स्पॉट जो बन रहा है बना दो, दैट्स इट। ना तो घर से कुछ रट्टा मार के जाना है, ना कुछ वहां पे उगलना है, ऐसा नहीं कि जैसे वहां पे कोई जानवर होता है, जैसे मान लो गाय है, गाय को खाना खिला रहे तो वो पहले पूरा खा जाती है अंदर, गपागप अंदर ले लेती पूरा, फिर इसके बाद वो जुगाली करती है, जुगाली करके, हमने हमें जुगाली नहीं करनी, हमें जो एक बार समझ में आ रहा है ऑन द स्पॉट जाके लगाना है, अप्लाई करना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा आएगा, दैट्स इट, उसके लिए दिमाग में लोड नहीं लेना है। अब बच्चों अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसमें ज्यादा थी, देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि किसी भी कंपाउंड में अनसैचुरेशन का जो मेजरमेंट हम करते हैं, किसी भी कंपाउंड में अनसैचुरेशन का मेजरमेंट हम जो करते हैं, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यानी कि कंपाउंड में कितना अनसैचुरेशन है उसका जो मेजरमेंट टूल है, उसके जो मेजरमेंट टेक्निक है, दैट इज नोन एज क्या होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और वी कैन से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और वी कैन से हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? तो गाइस अगर इसका फॉर्मूला बनाना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या आप सोच सकते हो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये इसका फॉर्मूला बनेगा गाइस, कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2। गाइस ध्यान देना, ध्यान से, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हम लोगों ने कंपाउंड देखा था C3H4, है ना,
अगर आपसे कोई पूछे कि C3H4 का DOU कितना है तो आप क्या बोलोगे, इसमें कितने डेफिनेशन हाइड्रोजन की, भाई C3 के हिसाब से मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 3 × 6 + 2 = 8 कार्बन, सॉरी 8 हाइड्रोजन होने चाहिए अगर वहां पे 3 कार्बन है तो, तभी वो संतृप्त होगा, तभी वो सैचुरेट होगा। तो 8 तो रियलिटी में होना चाहिए था, बट हमारे पास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4, यानी कमी कितने की, कमी यहाँ पे 4 की है ना, डेफिशिएंसी कितने की, 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो 4 / 2 करोगे बच्चों तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 2, यानी कि गाइस इस कंपाउंड का जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है दैट इज इक्वल टू 2। ये हमारा हो गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को डिफाइन करने का मेथड, और वी कैन से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। किसी भी कंपाउंड, अब मान लो कि जैसे ये कंपाउंड था C3H6, आपको अगर कोई बोले कि C3H6 का DOU बताओ, C3H6 का DPE बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 6 हाइड्रोजन है मैक्सिमम कितना होना चाहिए था, 8, अभी कितना है 6, डिफरेंस कितने का, 2/2 करो, तो बोलोगे सर फटाफट आंसर बता रहा हूँ 1 आएगा, तो मैं बोलूंगा शाबाश वेल डन सुपर, सही आपका आंसर। तो गाइस इस तरीके से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का निकालोगे हर एक क्वेश्चन में, बात सुन आगे सबको। ओके अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का खेला, कौन बनेगा चैंपियन राउंड फॉर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ऑल द बेस्ट गाइस। और आपकी स्क्रीन पे ये प्रश्न है, आपको हर एक क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, मैं बता चुका हूं, मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग करोगे, बाकी क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर बच्चों आप इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हो ना, तो यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कार्बन है 6, तो हो गया C6। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर एक कार्बन था, इस पे 2 वैलेंसी फ्री है तो 2 हाइड्रोजन है, और 6 कार्बन है तो इसके वैलेंसी 6 के हिसाब से 6 × 2 करोगे कितना होगा, 12 होगा, है ना, C6H12, और वी कैन से 12 हाइड्रोजन और 6 कार्बन, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों ने बना दिया। अब इस फॉर्मूला में हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा DU इक्वल टू, अगर मान लीजिए 6 कार्बन है तो 6 के हिसाब से मैक्सिमम कितना होना चाहिए था, 6 × 2 = 12 + 2 = 14 होना चाहिए था वहां पे, तब जाके वो सैचुरेट होता, बट अभी कितना है बच्चों यहाँ पे, अभी यहाँ पे 12। अच्छा आप लोगों को समझ में आया मैंने 14 कहाँ से लाया, देखो 14 में वहां से लाया कि एल्केन कैटेगरी में मैक्सिमम हाइड्रोजन होते हैं, और वो कितने होते हैं 2n + 2, अगर n कार्बन होते हैं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 2n + 2, तो मैंने यहाँ पे किया कि भाई n का मतलब है 6, तो 2n + 2 कितना होगा, 6 × 2 = 12 + 2 = 14, तो यहाँ पे मैक्सिमम 14 हाइड्रोजन होने चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डिमांड, वी आर हैविंग ओनली 12, दैट मींस कि यहाँ पे डेफिनेशन कितने की 2, तो 2/2 = कितना होगा बच्चों 1, तो इस कंपाउंड का जो डी होगा वो क्या होगा 1 होगा। अब गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से करोगे, या आप लोगों का खुद का है, आप लोगों को खुद ही ट्राई करना है इसका आंसर, और इसका आंसर ट्राई करने के बाद फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या है और क्या नहीं। शाबाश, ऑल द बेस्ट गाइस, ट्राई करो इसका आंसर कितना आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला बनाने के बाद उसको डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन निकालो, डिवाइडेड बाय 2 करो, उससे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, ये क्वेश्चन इनका भी आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, उसके बाद ट्राई करना है, आंसर क्या आता है मुझे बताना है, ठीक है। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये वाला है, इनका भी आपको ट्राई करना है, आंसर मुझे बताना है। गाइस होमवर्क दे रहा हूं मैं, ताकि आप लोग जो है क्वेश्चन सोल्व करो, मुझे पता चले कि कौन क्वेश्चन सोल्व कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ऑल द बेस्ट गाइस, ट्राई करना है आपको, एंड फाइनली वी आर हैविंग 2 मोर क्वेश्चंस आल्सो, आपको इन क्वेश्चंस का भी ट्राई करना है, इनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और वी कैन से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपको फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला के मेथड्स आप लोगों को ट्राई करना है, आपके आंसर मुझे बताना है, और उसके बाद इसको मैं डिस्कस करूंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो, आपको लगा कि यहाँ पे रियल में कंटेंट जो है वो क्वालिटी का है, पोटेंशियल है इसके अंदर, तो गाइस इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, ताकि मैक्सिमम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल सके, और वो भी घर बैठे जे एडवांस मेंस और नीट की तैयारी कर सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।